पंजाब की खबर है जहां बिजली संकट पर राजनीति गरमाने लगी है। शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के बाद आज आम आदमी पार्टी कैप्टन के फार्म हाउस का घेराव करने वाली है। पंजाब में जारी बिजली संकट पर आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान की अगुवाई में आप कार्यकर्ता सीएम फार्म हाउस का घेराव करने वाले हैं। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकर्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह के मोहाली स्थित निजी फार्म हाउस का घेराव करेंगे। पूरे पंजाब से पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दरअसल पंजाब के तलवंडी साबो पावर ग्रिड फेल होने और पेडी सीजन में बिजली की ज्यादा खपत होने के कारण समस्या खड़ी हो गई है, जिसे देखते हुए कई जिलों में 3 से 15 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भीषण गर्मी में बिजली की रिकॉर्ड डिमांड की आपूर्ति करने पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आप रिपोर्ट दी। दिल्ली में भीषण गर्मी के दौरान पावर कट नहीं होने पर सीएम केजरीवाल ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, बिजली की मांग में तीव्र बढ़ोतरी के बावजूद दिल्ली ने इसे सही तरीके से मैनेज किया। कोई बिजली कटौती नहीं की, बिना रुकावट के बिजली आपूर्ति की गई। दरअसल राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार को बिजली की रिकॉर्ड मांग दर्ज की गई। साल 2019 के बाद शुक्रवार को सबसे ज्यादा 7,323 मेगावाट बिजली की मांग देखी गई। बावजूद इसके दिल्ली में कहीं भी पावर कट नहीं किया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।